मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वयोवृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के आवेदन की तिथि को बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में 21 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना लागू हो गई है और ऐसे मतदाताओं के लिए फॉर्म 12D जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। समय कम होने के कारण अनेक दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता निर्वाचन आयोग के इस पहल का लाभ नहीं ले सकेंगे और उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फॉर्म 12D जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। देश के अंदर 80 प्लस से ऊपर उम्र के जो मतदाता है और दिव्यांग जो मतदाता भाई और बहन है, सब लोगों को का जो अधिकार दिया है और इस सुविधा के अंतर्गत उन सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट का अधिकार जो मिला है, इसलिए हम सब लोगों ने आज आदरणीय अश्विनी जी और हम लोगों ने मिलकर के अपील की है, उनसे अनुरोध किया है, हमने मेमोरेंडम दिया है कि 11,40,000 मतदाता जो 80 प्लस से ऊपर के और दिव्यांग मतदाता हैं, अधिकांश मतदाताओं तक उनका मतदान हो, ऐसा हमने आज अनुरोध मेमोरेंडम के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदरणीय चुनाव आयोग से हमने किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।